क्या रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने के पीछे सचिन तेंदुलकर का हाथ था? वीडियो को पूरा देखिए तो समझ आएगा। दरअसल सचिन सर को स्पष्ट रूप से पिछले दो वर्षों से रोहित शर्मा के साथ कुछ समस्याएं चल रही है। शायद इसलिए कि उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर को एमआई की टीम में प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि रोहित शर्मा जब कप्तान थे तो मात्र उन्हें दो गेम खिलाए वो ड्रॉप कर दिए। सचिन उनमें से जो हर चल रहे मैच के बारे में ट्वीट करते हैं, कोई भी मुकाबला हुआ हो तब सचिन तेंदुलकर का ट्वीट मिलता है। जब रोहित ने टूटे अंगूठे के साथ बांग्लादेश के खिलाफ इनिंग खेली हो, या रोहित ने विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी पारी खेली हो, या रोहित शर्मा का पूरा वर्ल्ड कप का कैंपेन अच्छा गया हो, सचिन सर का कोई भी ट्वीट हमें वहां पर नहीं मिलता है। उन्होंने सिर्फ कोहली और गिल के आईपीएल के 100 और उनके बारे में ही ट्वीट किए। पिछले दो सालों से रोहित शर्मा के बारे में कोई ट्वीट नहीं। लास्ट टाइम सचिन ने रोहित शर्मा के बारे में 2022 में ट्वीट किया था, जब रोहित शर्मा का बर्थडे था। सचिन सर हर क्रिकेटर को उनके बर्थडे पर विश करते हैं, चाहे फिर वो रैना हो, यूसुफ हो, कोहली हो, गिल हो, ईशान हो, हरभजन हो, धोनी हो, जडेजा हो, या हो सिराज, लेकिन रोहित के बर्थडे पर उनका कोई पोस्ट नहीं मिला। आपको जानकर एक और हैरानी होगी कि अर्जुन तेंदुलकर लगभग 500 लोगों को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, उसमें रोहित शर्मा नहीं है, बाकी सारे क्रिकेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या सचिन तेंदुलकर का ही हाथ था रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने के पीछे?